की है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 7 जुलाई 2020। तो आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में मैं अर्चना सिंह आपका वेलकम करती हूँ। तो हम लोग करेंगे आज देश और दुनिया में क्या नया हुआ, क्या इकोनॉमिक्स, क्या स्पोर्ट्स में न्यू इवेंट हुए जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लस इसमें मैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आती हूँ, क्योंकि हम लोग UPSC के एग्ज़ाम आने वाला है, देने वाले हैं, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वो भी साथ में हम लोग देखेंगे। प्लस GS 1, 2, 3, 4 का मेंस का जो टॉपिक है वो साथ के साथ साइमल्टेनियस चल रहा है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जल जीवन मिशन को लागू किया है? तो जल जीवन मिशन को लागू किया है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। जल जीवन मिशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है सार्वभौमिक कवरेज है और इक्विटी और समावेशिता के सिद्धांत पर यहाँ जोर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि गांव के प्रत्येक परिवार को अपने घर में नल का पानी कनेक्शन मिलना चाहिए और इसमें कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है वैशाली मोहंती को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो वैशाली मोहंती ने अपने पहले ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ स्नातक के रूप में प्रतिष्ठित हाई प्रोफाइल अचीवमेंट अवार्ड जीता था। हम यहाँ यूनाइटेड नेशन UN की बात करते हैं तो इसको संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है और इसके सदस्य हैं 193 और उसके करंटली जो अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है? तो ये की है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने 1000 शहरों में अपने ग्राहकों के लिए प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है। ये एक टेक्नोलॉजी सक्षम लोन उत्पाद है जहां क्रेडिट मूल्यांकन कर्मचारियों के बजाय बैंकिंग सॉफ्टवेयर द्वारा दिया जाता है और लोन बहुत जल्दी जारी हो जाता है। अगर HDFC की फुल फॉर्म देखें तो ये है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष हैं इसके CM वासुदेव और प्रबंधक निदेशक हैं आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। हर घर जल योजना का उद्देश्य लोगों तक पानी को पाइपलाइन के जरिए पहुंचाना है ताकि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर के हिसाब से साफ पानी मिल सके। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि BJP के हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और विधानसभा में 404 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से मान्यता प्राप्त की है? तो ये है फ्रिया ठकराल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो द ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली की छात्रा फ्रिया ठकराल को उनके मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से मान्यता दी गई है। 1 जुलाई 2020 को राजकुमारी डायना के जन्मदिन पर उन्हें रोल ऑफ ऑनर में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा बैंक पर्यवेक्षक के रूप में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हो गया है? तो ये है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है जो सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण के विकास में योगदान करने के लिए तैयार करता है। ADB की फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया विकास बैंक। स्थापना हुई है 19 दिसंबर 1966 को, जिसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में और अध्यक्ष हैं इसके मात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस साइकिल कंपनी ने चीन का बहिष्कार करते हुए उसके साथ 900 करोड़ रुपए का व्यापार रद्द करने की घोषणा की है? तो ये साइकिल कंपनी है हीरो साइकिल। भारत की हीरो साइकिल कंपनी ने चीन का बहिष्कार करते हुए उसके साथ 900 करोड़ रुपए का व्यापार रद्द करने की घोषणा की। लॉकडाउन के दौरान हीरो साइकिल ने सरकार को 100 करोड़ रुपए दान में दिए थे।
अब हीरो साइकिल जर्मनी में प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा स्वामी सत्संग व्यास परिवार परिसर में 10,000 बेड वाले कोविड सेंटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। तो भारत की राजधानी दिल्ली में राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में 10,000 बेड वाले कोविड सेंटर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है, जिसके उद्घाटन राज्यपाल अनिल बैजल ने किया। ये सेंटर कोरोना के मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सेंटर है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सेंटर कोरोना के मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य सरकार ने देवघर का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का इस वर्ष आयोजन नहीं करने की घोषणा की है? तो ये है झारखंड राज्य सरकार द्वारा। झारखंड सरकार ने इस वर्ष कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे की वजह से देवघर का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का इस वर्ष आयोजन नहीं करने की घोषणा की है। राज्य के आपदा प्रबंधक सचिव अमिताभ कौशल ने इसकी जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? तो अगर आपको पता होगा कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो इसका आंसर आपको आता होगा। तो ये है उत्तराखंड सरकार ने मंजूरी दी है। गंगोत्री नेशनल पार्क एक संरक्षित क्षेत्र है। इस नेशनल पार्क की स्थापना 1989 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से खेल में 2 बार के ओलंपिक में मेडल जीतने वाले चीन के लिन डेन ने संन्यास ले लिया है। इनमें से कौन, जो लिन डेन है, कौन से खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो लिन डेन संबंधित है बैडमिंटन से। जिन्होंने 2 बार के ओलंपिक में मेडल जीतने वाले चीन के लिन डेन ने संन्यास लिया है। कैरियर के आखिरी दौर में वे फॉर्म के लिए जूझते रहे और विश्व रैंकिंग में 19वें स्थान पर आ गए। लगातार 2 बार ओलंपिक पुरुष एकल खिताब जीतने वाले वो एकमात्र बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मंत्रालय ने भारतीय कोचों द्वारा एलीट एथलीटों को प्रशिक्षण देने पर वेतन की ऊपरी सीमा कितने रुपये को हटाने की घोषणा की है? तो ये उन्होंने किया है 2,00,000 रुपये। खेल मंत्रालय ने भारतीय कोचों द्वारा एलीट एथलीटों को प्रशिक्षण देने पर वेतन की ऊपरी सीमा 2,00,000 रुपये को हाल ही में हटाने की घोषणा की है, जिससे बेहतर परिणाम देने के लिए वे प्रोत्साहित हो सके। तो आज की करंट अफेयर यहीं खत्म होते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।